हेलो स्टूडेंट, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में क्या सीखते हैं आप लोग? ग्रामर के नियम, रूल्स, ठीक। और इसमें बहुत जरूरी चीज सीखते हैं, इंग्लिश को, अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए, ठीक है। तो इस छोटी सी कोशिश है, आप इसको कैसे सीखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है कि एक हिंदी में हम हमेशा जनरली बात करते हैं कि और क्या हालचाल बोलते हैं कि उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तो क्या जवाब है और क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसे, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे डिनोट करना चाहेंगे कि एंड हाउ आर यू, और जवाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम गुड। आई एम मतलब आई है और यहाँ आई एम भी है, गुड। हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो आप जनरली आप बिल्कुल बेसिक सीखे हैं हाँ आज के लिए। सवाल नंबर दो, आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं? तो क्या करते हैं आप खाली वक्त में? मुझे ज्यादा खाली वक्त नहीं मिलता है, ये तो बिल्कुल रियल बात है हाँ। इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे हम कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? फ्री मतलब खाली, टाइम मतलब सम। उसका आंसर है आई डोंट गेट मच फ्री टाइम, मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर थ्री, आप कहाँ रहते, रहती या रहने वाले? ठीक है, ये भी जनरली है कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं जबलपुर या कोई भी शहर से हूं, तो क्या बोलेंगे आप? आई एम फ्रॉम जबलपुर, एनी सिटी। क्वेश्चन नंबर फोर, कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ, या मैं परेशान हूँ, या मैं अच्छा हूँ, तो कैसे बोलेंगे इसको? हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। एंड ओके और आई एम वरीड, वरीड मतलब होता है परेशान होना, ठीक। क्वेश्चन नंबर फाइव, आप क्या काम करते हैं? व्हाट डू यू डू, व्हाट यानी क्या होता है आप, क्या यू और ये करते हैं? आंसर, मैं टीचर हूं या मैं आर्टिस्ट हूं? तो व्हाट डू यू फॉर अ लिविंग, आंसर आई एम अ टीचर एंड आई एम एन आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर छह, घर में सब कैसे हैं? हाउस एवरीवन, मैंने सब, सारे लोग, इन एच होम, या हाउ इज एवरीवन इन द हाउस, हाउस ऑफ होम है घर को कहते हैं, ठीक। उत्तर है इसका, घर में सब ठीक है, एवरीथिंग, सब मतलब एवरीथिंग इज ग्रेट एट होम। क्वेश्चन नंबर सेवन, आपको क्या पसंद है? व्हाट डू यू लाइक, लाइक यानी पसंद करना, मुझे पढ़ना और ट्रेवल करना पसंद है, तो आई लाइक रीडिंग एंड ट्रेवलिंग यानी होता है यात्रा करना, हाँ मुझे घूमना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या आप कुछ लेंगे? तो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, समथिंग मतलब कुछ लेंगे, हाँ ओके। तो जवाब, मैं एक कप चाय ले लूंगी, आई हैव अ कप ऑफ टी, आई का मतलब होता है आई विल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या हुआ बोलते तो व्हाट हैपेंड, तो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं या नहीं कुछ नहीं हुआ, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड नो एवरीथिंग इट्स ऑल राइट, यानी सब सही है। नंबर टेन, इसके कितने पैसे हुए? हाउ मच मनी डिड इन कॉस्ट मतलब पैसे, तो दुकानदार से पूछ रहे हैं तो जवाब क्या है, ये 50 रुपए का है, तो इट इज 50 बंस, तो रुपए को क्या बोलते हैं? बंस भी कहते हैं। तो सो स्टूडेंट, ये हुए आपके सवाल नंबर 1 से लेके 10 तक के। आपने आज बहुत अच्छे से इसको सुना, सीखा, आप इसको अपने फॉलो करेंगे डेली के जो रोजाना बात करने का जो टॉकिंग है, आप इसको जरूर अपने उसमें लाइफ में इसको इंक्लूड करें।